बेटे अब्दुल्ला के डबल जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आसम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे को भी 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके बाद तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है। शनिवार को रामपुर जेल से बाहर आते हुए आजम खान ने ऐसी बात बोली जिसे सुनकर पुलिस वाले भी चौंक गए। उन्होंने आशंका जताई कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। आप भी सुनिए। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। आजम खान को पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। उन्हें जब गाड़ी में बैठने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि हम सीट पर बीच में नहीं बैठेंगे बल्कि साइड सीट पर ही बैठकर जाएंगे। इस पर पुलिस वालों ने उनसे कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें बीच में बैठाया जा रहा है, फिर देखिए क्या होता है। बीच में नहीं बैठ पाएंगे। हमारी कमर ही नहीं है, इसका भी हम बीच में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं, हम नहीं बैठ सकते बीच में। हमारी